लाइव कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से, वाइट बोर्ड थोड़ा चेंज आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे NTPC का जो क्वार्टर है रेलवेज का, वहाँ से मैं लाइव कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि संडे को हम लोगों ने सोच रखा था कि क्लास आपको दी जाएगी, क्योंकि लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल इशूज़ आ रहे थे हमारे, है ना। लास्ट क्लास के टेक्निकल इशू की वजह से क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। जो मैंने आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बताना स्टार्ट किया था वो कम्प्लीट हुआ था और हम लोग लिक्विड स्टेट पर आए थे, द्रव अवस्था पर आए थे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ द्रव अवस्था के बारे में कि भाई जो आपके ठोस था, जो आपका सॉलिड था, उसके पार्टिकल्स किस फोर्स के कारण आपस में जुड़े हुए थे। तो उसका नाम था आपका IMF, इंटर मॉलिकुलर फोर्स, जिसे आप लोग कहते हैं अंतरा आणविक बल। अंतराणविक बल के कारण जो पार्टिकल्स थे, जो अभिकर्ण थे, वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है ना। अंतराणविक बल यदि अधिक होता है तो पार्टिकल्स के मध्य जो रिक्त स्थान होगा वो क्या होगा, कम होगा। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, लास्ट हमारी क्लास में वाली बात आपको बताई थी कि अंतरा आणविक बल अधिक होने पर रिक्त स्थान कम होता है, किसके मध्य, पार्टिकल्स के मध्य, कणों के मध्य। ऑलराइट, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं किसकी, ठोस की। तो ठोस में हम लोगों ने यह पढ़ा कि ठोसों के मध्य अंतरा आणविक बल अधिक होता है, जिसके कारण उसके पार्टिकल्स के मध्य रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, जिस कारण एक ठोस अवस्था आपके सामने होती है। ये बात करती थी मैंने किसके लिए, ठोस के लिए। द्रव्य की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। उस ठोस, द्रव, गैस में से जो आपका ठोस है उसके लिए हमने इतनी बात आपको कंफर्म करके दी थी, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे द्रव्य के, आपके द्रव के बारे में और गैस के बारे में। वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि अन्य स्थान से वीडियो शूट करना अपने आप में बड़ी भारी बात है, ठीक है ना, जैसे कि आप लोग समझदार हैं सब, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आवाज थोड़ी गूंज रही है, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ किसकी, आपकी द्रव अवस्था की, किसकी, द्रव अवस्था की। तो द्रव अवस्था की अगर बात करें तो द्रव के लिए मैं एक डायग्राम आपके सामने शो करूँ, इस टाइप का डायग्राम आपके सामने होगा। मान लीजिए अपने पास बीकर है और उसमें आपने बहुत सारा लिक्विड भरा है, क्या भरा है, लिक्विड भरा है, द्रव भरा है, या नॉर्मल कह लीजिए पानी भरा है। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि आकार और आयतन के आधार पर ठोस को मैंने वर्गीकृत किया था, इसी प्रकार से आकार और आयतन के आधार पर मैं द्रव को वर्गीकृत करता हूँ। तो द्रव के बारे में मैंने आपको बताया था कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, द्रव को जिस बर्तन में आप भरेंगे उसकी आकृति ले लेगा, परंतु आयतन निश्चित होता है। भाई 2 लीटर का बॉटल है उसमें 2 लीटर ही द्रव है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि कुछ कंडीशन में स्थिति बदल जाती है, परंतु नॉर्मल स्टेज में बात करें तो आयतन स्थिर रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से द्रव छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, क्या बना होता है, हर द्रव छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनके मध्य अंतरा आणविक बल बहुत ही कम होता है, क्या होता है, अंतरा आणविक बल बहुत ही कम होता है। यही कह सकते हैं कि अंतरा आणविक बल ठोस पदार्थों के अंतरा आणविक बल की अपेक्षा कम होता है, ठीक है, जिस कारण इसके पार्टिकल्स के मध्य रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, क्या होता है, पार्टिकल्स के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान ज्यादा होता है, जिस कारण से हम द्रव को परिवर्तित कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। यानी कि इसके पार्टिकल्स के मध्य जो अंतरा आणविक बल है, अंतरा आणविक बल जो है वो ठोसों की अपेक्षा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है, जिस कारण इसके पार्टिकल्स के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो थोड़ा सा अधिक होता है, जिस कारण से जो आपका लिक्विड होता है उसको हिलाने पर उसके पार्टिकल मूव करते हैं, इस कारण से द्रव क्या करता है, मूव करता है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो ठोस है और जो द्रव है इसमें अंतरा आणविक बल का ही क्या है, एक छोटा सा महत्व है चेंज ऑफ टाइप के अनुसार कि इनमें अंतरा आणविक बल थोड़ा कम होता है ठोस की अपेक्षा, रिक्त स्थान ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से अंतरा आणविक बल सबसे अधिक पाया जाता है, ऑप्शन होगा ठोस, द्रव, गैस या तीनों में बराबर।
तो आकार से क्या हो जाएगा, सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम पूछे तो गैस में होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको द्रव के बारे में इतनी बात समझ में आई होगी। अब लोग हम आगे में बात करने वाला हूँ इसके बारे में, गैस के बारे में, ठीक है ना। चलेगा, अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कमेंट बॉक्स में आपके डाउट अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना, मतलब अगले क्लास में क्लियर कर दूंगा। अब हम बात करते हैं इसकी, गैसेस की। गैस के बारे में आप लोग सभी भली भाई परिचित हैं, गैस क्या होता है, ठीक है। गैस क्या, गैस की अगर बात करें तो आप गैस को किसी एक बीकर में लेना चाहें, क्या करें, आप गैस को किसी एक बीकर में लेना चाहें तो इसको एक बीकर में स्टोर करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के मध्य अंतरात्मिक बल लगभग ना के बराबर होता है, जिसे हम नगण्य कहते हैं। क्या कहते हैं, नगण्य कहते हैं, जिस कारण इसके पार्टिकल्स के मध्य, ट्रेन की आवाज सुन पा रहे होंगे आप, ठीक है, जिस कारण इसके पार्टिकल्स के मध्य क्या है, बहुत ज्यादा अंतरात्मिक क्या है, रिक्तियां हैं, ठीक है ना। यानी कि इसमें गैस में अंतरात्मिक बल बहुत ही ज्यादा कम होता है, लगभग नगण्य होता है, क्या होता है, नगण्य होता है। यानी कि गैसों के पार्टिकल्स के मध्य, गैसों के कणों के मध्य अंतरात्मिक बल बहुत ज्यादा कम होता है, नगण्य होता है, जिस कारण इसके पार्टिकल्स के मध्य जो रिक्त स्थान होता है, जो रिक्त स्थान होता है वह बहुत ही ज्यादा होता है, क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। शॉर्ट में दूसरे बात में हमें बहुत ज्यादा आपको मिलेगा रिक्त स्थान देखने को मिलेगा, किसके पार्टिकल्स के मध्य, गैसेस के पार्टिकल्स के मध्य। इसलिए हम कह सकते हैं कि गैसों को आप किसी एक जगह स्टोर करके नहीं रख सकते। भाई मान लीजिए मैंने अपने हाथ पर पानी डाला, ठीक है, तो पानी कुछ देर स्टोर करेगा, ठीक है, इतना तो स्टोर करेगा, तब तक उसका वाष्पीकरण ना हो, है ना, वाष्पीकरण जलवायु गुण होता है, वो अलग पार्टिकल की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। परंतु अगर मैं गैस रखूँ, मेरे मुंह से निकल रहा है, वेपराइज करूँगा, तो क्या होगा, गैस बाहर आएगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, तो क्या स्टोर कर पाया हाथ पे, नहीं कर पाया। रीजन क्या है कि अंतरात्मिक बल बहुत कम है पार्टिकल्स के मध्य, ठीक है, और इन पार्टिकल के मध्य अंतरात्मिक बल कम होने के कारण रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है, इसलिए पार्टिकल एक जगह रुके नहीं है, ठीक है। आप माचिस जलाइए और उसको बुझा दीजिए, माचिस जलाने के बाद आप जब बुझाएंगे तो जो धुआं निकलेगा वो एक गैसेस फॉर्म होगा, उस गैसेस फॉर्म को स्टोर करने का प्रयास कीजिए। अब नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उसको स्टोर करने के लिए कुछ चीज लेकर आएंगे तब तक वो वातावरण में हो चुका होगा, आकाश में हो चुका होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ठोस, द्रव और गैस में जो एक बेसिक चेंज आता है वो अंतरात्मिक बल के कारण आता है, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ यह बात आपको समझ में आई होगी। अब जो इससे अगली क्लास होने वाली है उसके बारे में आपको थोड़ा सा हिंट देना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब हम जो यहाँ पर पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं कि भाई जो कण है किनके मध्य, ठोस, द्रव और गैस के मध्य, असल में ये कण होते क्या है, इन कणों को अवयवी कण कहा जाता है। कौन से कण कहा जाता है, अवयवी कण कहा जाता है, यानी कि इनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आपके परमाणु, कॉमा अणु वे आयन आते हैं, क्या आते हैं, परमाणु अणु में आयन आते हैं। परमाणु को इंग्लिश में हम लोग एटम, अणु को मॉलिक्यूल और आयन को आयंस कहते हैं, ठीक है। तो जो मैं आपके बीच में बार बार कणों की बात कर रहा हूँ, असल में वो अवयवी कण होते हैं। अवयवी कण के अंतर्गत परमाणु, अणु और आयन आते हैं। परमाणु के बारे में अगर शॉर्ट में बात करूँ तो परमाणु सबसे छोटा कण होता है किसी भी द्रव्य का, किसी द्रव्य का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु को मिलाने पर क्या बनता है, अणु बनता है। आयन की बात करें, किसी पदार्थ को जल में मिलाने पर वह जल के साथ घुल जाता है, और किस रूप में घुल जाता है, आयन के रूप में घुल जाता है, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है। अब आशा करता हूँ आपको ये सारी कहानी समझ में आई होगी। अब चूँकि जहाँ से मैं क्लास लेता हूँ वहाँ पर मैं नहीं हूँ, यूपी से उत्तराखंड में हम आए हैं, फिर मैंने अभी क्लास ली क्योंकि यहाँ से जाना थोड़ा लेट होने की संभावना बन गई थी, है ना, कुछ व्यवस्था बन गई थी। फिर भी एक गवर्नमेंट स्थान से क्लास लेना, आप समझ सकते हो किसी ने क्या कहा होगा, और कैसे आपको मतलब ये व्यवस्था बनवाई होगी कि चलिए आप क्लास लेंगे, ठीक है ना।
एक टीचर के लिए अगर इतनी रेस्पेक्ट कोई दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, खासकर इतनी कम उम्र में, इतनी कम आयु में इतना रेस्पेक्ट मिलना बहुत बड़ी बात है। भारत के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, खैर छोड़िएगा, ये पर्सनल बात है। ठीक है, तो आज के इतना ही, आपको आशा करता हूं समझ में आया होगा। अभी तक मैंने आपसे नहीं कहा, लेकिन अगर आपको पढ़ाना ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से पढ़ के कुछ सिलेक्शन वगैरह हो सकता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इच्छा हो तो शेयर भी कर लीजिएगा।